things were there, starting with breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration. जिसमें से ब्रीथिंग ऑलरेडी कल पढ़ा हुआ है. आई होप अभय इज ओवर हियर. अभय है? अभय इज कनेक्टेड बेटा? अभय आर यू कनेक्टेड? प्लीज मैसेज मी ऑन चैट बिकॉज यस्टरडे इज योर डाउट आई एम गोइंग टू सॉल्व टूडे. हेलो सर. हेलो चिल्ड्रंस आर यू एबल टू लिसन मी? क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? प्लीज मैसेज मी यस और नो. ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है. ओके हाँ यस आई वॉज टॉकिंग अबाउट अभय ओनली. हाँ यस आई गॉट इट बेटा आई गॉट इट. चलो तो अभय वॉज आस्किंग मी अबाउट आई आर एफ आई आर वी यस्टरडे. सो आपका डाउट अभी सॉल्व हो जाएगा. टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उसके कैपेसिटीज. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और उसके कैपेसिटीज. तो सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम. कैसे याद रखोगे? टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो. ठीक है, जब आप नॉर्मल में कुछ भी काम कर रहे हो और तब जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हो दैट इज कॉल्ड एज अ टाइडल वॉल्यूम. और उसका कैपेसिटी कितना है? द कैपेसिटी इज अबाउट हाफ अ लीटर दैट इज 500 ml. फिर उसके बाद आपको पढ़ना है आई आर वी, मतलब इट इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन. अब आप खुद भी कर सकते हो. आप बैठे बैठे देखो फोर्सफुली इनहेलेशन करो, फोर्सफुली सांस अंदर लो. तो जितना एयर आप अंदर ले पाते हो ठीक है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द आई आर वी, फोर्सफुल इंस्पिरेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एडिशनल. हम नॉर्मल में तो 500 ले पा रहे हैं. 500 हम दैट इज अवर नॉर्मल कैपेसिटी. बट उसके अलावा भी जब आप एयर इनहेल कर पाते हो, जब आप फोर्सफुली कर रहे हो, जब आप जबरदस्ती इनहेलेशन कर रहे हो या सांस अंदर ले रहे हो तो उसको हम बोलेंगे आई आर वी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर. सी आई एम नॉट सेइंग एज ऑक्सीजन, आई एम टेलिंग द वर्ड एज एयर विच इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली. अच्छा जब हम इसके वॉल्यूम की तरफ आएंगे तो हम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे थे तब तो सिर्फ 500 ml था, पर जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम या फिर इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 3000 ml तक हो गई, मतलब 3 लीटर्स तक हो गई है ये. जहां आधा लीटर थी वो आधा लीटर बढ़ के कहां हो गया है? 3 लीटर्स तक आ गया, 2.5 to 3 liters. करेक्ट. अच्छा वैसे ही आता है लेट अस सी द फोर्सफुल एक्सपिरेशन. अब आप जबरदस्ती सांस को छोड़ो, हाँ जबरदस्ती एक्सहेलेशन करो. तो जब आप जबरदस्ती एक्सहेलेशन करोगे तब भी नाउ सी द कैपेसिटी. आप भले कितना भी फोर्सफुली एक्सपिरेशन करो तब भी आप सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1000 या 1100 ml ही एक्सहेल कर पाओगे. इसका मतलब क्या है? जब आपने फोर्सफुल किया तो आपकी कैपेसिटी 3 liters तक थी, पर जब आपने एक्सहेलेशन फोर्सफुली किया तब आपकी कैपेसिटी कितनी है फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने की? सिर्फ 1000 और 1100 ml. इसका मतलब क्या है? आपने लेते वक्त तो इनहेलेशन जबरदस्ती इनहेलेशन करते वक्त तो आपने ज्यादा लिया, पर जबरदस्ती एक्सहेलेशन करते वक्त तो आपने बहुत कम निकाला. इसका मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल मतलब कि रेसिडुअल्स का मतलब क्या होता है? बचा हुआ. सो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो कुछ एयर बच जा रहा है आपके लंग्स में, मैं क्या बोल रही हूँ देखो एम्फोसाइज कर रही हूँ, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो एयर बच जा रहा है आपके लंग्स में और वो कितना है? इट इज अबाउट 1100 to 1200. दिस इज बीन कॉल्ड एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम.
तो आई होप ये सारे वॉल्यूम्स आपको समझ में आ गए हैं। टीवी और टाइडल वॉल्यूम इज अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रही हूँ। तो व्हाट इज माय कैपेसिटी ऑफ द लंग, इट इज 500 ml। बट जब अभी अगर सेकेंड टाइम है, मैंने अभी जानबूझकर फोर्सफुल इनहेलेशन किया, जानबूझ के ज्यादा एयर अंदर लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतनी रिजर्व कैपेसिटी है, रिजर्व वॉल्यूम। सिमिलरली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज अबाउट ईआरवी, दैट इज अबाउट 1000 to 1100। भले आपकी कैपेसिटी अंदर लेने की इतनी है, पर आप बाहर निकालने की कैपेसिटी बस इतनी है। क्योंकि अंदर लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, बाहर निकालने की कैपेसिटी कम है, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम, व्हिच इज अबाउट 1100 to 1200। ना ये सब चीजें आपको डेफिनेशन के लिए आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। ये फिगर्स आपको याद करने ही हैं, ऐसे के ऐसे ही फिगर्स आपको याद करने हैं, ठीक है। Now, apart from all these things, there is one more thing called as a dead space, and which is abbreviated as DS. Now, what is this dead space? It is the volume of air. देखो क्या definition लिखा है मैंने, पहले समझो मैं फिर आपको explain करूंगी. Volume of air that is present in the respiratory tract, but I have given a word, but not involved in gaseous exchange. It is not involved in gaseous exchange. समझ में आया? मतलब ये वो गैस है जो हम gaseous exchange में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो see this diagram now. ये देखो, ये जो पार्ट है पूरा respiratory part, the part of respiratory tract from nostril to terminal bronchi. ये जो वॉल्यूम्स है आपको ये ऐसे के ऐसे ही याद करने हैं। Yes, ये इतनी कैपेसिटी फाइंड आउट की गई है, और ये जो नंबर, ये जो फिगर्स दिए गए हैं, ये आपको ऐसे के ऐसे ही बाहर करने हैं। डेड स्पेस भी आपको 150 ml ये बाहर करके रखना है। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो नाउ मयूरेश इज आस्किंग मी, आरवी हमेशा रहता है लंग्स में, का यूज क्या है? Yes, obviously, बेटा आरवी हमेशा रहता ही है लंग्स में, रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है। जब कब रहेगा? जब भी आप डेड स्पेस हमेशा रहेगा। मैंने अभी आप डेफिनेशन पे शायद ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, मैंने क्या बोला है, आरवी इज नथिंग बट द एयर रिमेनिंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हो तब रेजिडुअल वॉल्यूम है, पर डेड स्पेस हमेशा है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाइसली एंड प्रॉपरली ऑन द डेफिनेशन विच इज बीन टोल्ड, ठीक है। ये सब चीजें फिगर कब वर्कआउट कर रही है? 1, 2 and 3। नॉर्मल रेस्पिरेशन में सिर्फ टीवी है, पर ये जो तीनों चीज है आईआरवी, ईआरवी एंड आरवी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर डूइंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है। एंड डेड स्पेस क्या है? इट इज ऑलवेज प्रेजेंट in our lungs, which is not involved in the gaseous exchange. I'm very clear? Okay. Now, mechanism of respiration. Now, in mechanism of respiration, we are having four processes. They are breathing, okay? External respiration, internal respiration, and the cellular respiration, okay? Breathing, अगेन द मयूरेश इज आस्किंग अ डाउट, डेड स्पेस का क्या यूज है? अभी आप ही मुझे खुद इसका आंसर बता सकते हो कि डेड स्पेस का क्या यूज होना चाहिए। कोई भी ये सी, अवर लंग्स इज अ पार्ट वेयर एयर इज बीन फिल्ड, तो वो पूरा खाली तो कभी नहीं हो सकता ना, उसमें एयर तो रहेगा ही, पूरी की पूरी तरह वो खाली नहीं हो सकता कभी भी, सो देयर इज अ डेड स्पेस। अच्छा, नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ ब्रीदिंग के बाद लेट अस लर्न अबाउट दीज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन डिटेल। नाउ
what exactly is the external respiration? External respiration is the respiration or the exchange of gas which is taking place between the alveoli and blood. Okay? Internal respiration is a respiration which is taking place, or the exchange of gas which is taking place between blood and the tissue. ठीक है, प्लीज ये सब चीजें पहले अच्छे से समझ के लो. एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. नाउ सी दिस डायग्राम फर्स्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगा. यही चार डायग्राम मैं आपको दो तीन बार भी दिखाऊंगी. पहले देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो दिख रहा है दिस इज द एल्वियोलाई और द लंग्स. ये एल्वियोलाई है या लंग्स है? ये अपने ब्लड कैपिलरीज है, ये अपना हार्ट है और ये है अपना टिश्यू. अच्छा, पहले समझ के लो कि होता क्या है. जो भी गैस हम इनहेल कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, पहले लंग्स में जा रहा है, लंग से अपने ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज से अपने हार्ट में जाएगा. जैसे अगर हम ऑक्सीजनेशन की बात करते हैं तो हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, अंदर जाते हुए अपने लंग्स में गया, लंग्स से अपने एल्वियोलाई के अंदर गया, अब एल्वियोलाई से अपने पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन से अपने हार्ट में जाएगा. ये सब चीजें याद रख लो. सी, पल्मोनरी वेन क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा एक्सेप्शनल है, यही एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. भले वो वेन है पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. तो बेसिकली होता क्या है, क्या बताया मैंने, हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, अब ऑक्सीजन मतलब एयर अंदर लिया, ये एयर एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से अपने पल्मोनरी वेन में गया, वहां से अपने हार्ट में गया. हार्ट में कहाँ गया, पहले अपने लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू अपने सारे बॉडी में स्प्रेड हुआ और सारे टिश्यूज तक पहुंचा है. वेरी क्लियर. सारे टिश्यूज के अंदर व्हाट हैपेंड कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 वाला ब्लड तैयार हुआ है. ये CO2 वाला ब्लड वापस कौन लेकर जाएगा, सिस्टमिक वेन. ये डीऑक्सीजनेटेड अपने राइट साइड के हार्ट में आएगा और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस आप देख सकते हो कि लंग्स में आया, और ये जो CO2 है हमने बॉडी के बाहर निकाला. समझ में आया आपको ये बात? ठीक है, तो जो भी रेस्पिरेशन यहां पर हो रहा है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. जो अपने एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी में हो रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. पर जो रेस्पिरेशन अपने ब्लड, अपने बॉडी टिश्यू और फिर ब्लड कैपिलरीज में हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ लिखा के दिया था. ये चीज आप पहले अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लो. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, और इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब जो ब्लड एंड टिश्यूज में हो रहा है. एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है जो सेल के अंदर हो रहा है. वेरी क्लियर. चलो नाउ अब हम आगे चलते हैं. तो आपको ये चीज क्लियर है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. नाउ लेट अस लर्न एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अगेन इन डिटेल. As I told you, it takes place between the alveoli, air and the blood. So this is alveoli and these are the blood vessels. ये जो आपको दिख रहा है, this is the alveolar cavity जिसके अंदर air आता है. You can see this air is coming in and going out. और ये जो pink color का दिख रहा है, ये क्या है, अपना blood का capillaries है. अच्छा, this both the alveolar and the blood capillaries, they are lined by means of simple squamous epithelium. याद रखो, which can be asked again for the board exam. अपना जो alveoli है आप देख सकते हो, it is made up of single layer of squamous epithelium. वैसे जो pink color का blood capillaries दिख रहा है, ये भी आप देख सकते हो single layer of squamous epithelium से बना है. ये दोनों भी चीजों को, as we know that the epitheliums are resting on the basement membrane, both are resting on this basement membrane.
तो ये जो बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पे, ये स्पेस को हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी। क्यों रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलेंगे? क्योंकि यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाएगा। अगेन ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा डिफ्यूजन ऑफ गैस कहां से कहां होता है? तो डिफ्यूजन ऑफ गैस हमेशा टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अच्छा, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? इट इज द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन अ गैस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा गैस का मिक्सचर है, तो उसके अंदर गैस का मिक्सचर है, तो जब एक खुद के एक गैस का प्रेशर होता है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो पार्शियल प्रेशर में मैंने क्या बताया, डिफ्यूजन कैसे होता है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अगेन द सेम डायग्राम यू कैन सी ओवर हियर, ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में से अपने ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ रहा है, और CO2 जो हमने रेस्पिरेशन के वक्त CO2 वाज अवर बाय प्रोडक्ट, वो ब्लड कैपिलरी से वापस एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है। तो यू कैन सी द एरो मार्क, यू कैन ट्रेस द एरो मार्क। हाँ, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है और CO2 बाहर की तरफ जा रहा है। नाउ दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और फर्स्ट लेट अस लर्न अबाउट CO2 का डिफ्यूजन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि CO2 एंड ऑक्सीजन का ये होता है, तो लेट अस लर्न पहले CO2 का डिफ्यूजन। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरी, जो पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आ रहा है, तो जो कार्बन डाई है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज 45 mm of Hg। क्यों 45 mm of Hg है? क्योंकि सेल ने अभी रेस्पिरेशन किया, जैसे मेरे हर एक ऑर्गन ने रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन करने के बाद बाय प्रोडक्ट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये इस वेसल में आया, सिस्टमिक वेन में आया, तो हमें इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोल रहे? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कितना ज्यादा है? तो नोट किया गया है कि इट इज अबाउट 45 mm of Hg, इतना प्रेशर क्या रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। पर जब हम एल्वियोलाई की तरफ बढ़ेंगे, तो अभी कल अभय ने मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सिर्फ एयर होता है, सिर्फ एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही हम इनहेल करते हैं क्या? तो इसका आंसर अब आपके पास आपको मिलेगा कि हम सिर्फ एयर इनहेल नहीं करते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैसेस होते हैं। तो अगर हम सिर्फ CO2 की बात करेंगे, तो जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, पर CO2 भी होगा। तो CO2 कितना है? तो CO2 इज अबाउट 40 mm of Hg। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, द पार्शियल डिफ्यूजन कैसे होता है फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो क्योंकि एल्वियोलाई में अभी जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है ब्लड, उसके अंदर 45 mm of Hg है CO2 का प्रेशर, जो हमने इनहेल किया है गैस उसमें 40 mm of Hg है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर जाना चाहिए, तो ब्लड का डिफ्यूजन होगा, CO2 का डिफ्यूजन हो जाएगा फ्रॉम कैपिलरी टू द एल्वियोलाई, और जब ये एल्वियोलाई में CO2 आएगा तो हम उसे एक्सहेलेशन करके बाहर निकाल देंगे। समझ में आया आपको CO2 का डिफ्यूजन? ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, CO2 का डिफ्यूजन ये ब्लू कलर, ये जो इस साइड का ब्लू कलर का आपको ब्लड वेसल्स दिख रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर ब्लड। हम इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये हमारा सारा बॉडी का टिश्यू है, ये टिश्यू ने रेस्पिरेशन किया था, ATP जनरेट था, तो एटीपी के साथ साथ और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना हो गया ब्लड के कैपिलरीज के अंदर? 45 mm of Hg। ये 45 mm of Hg वाला प्रेशर जब हार्ट में जाएगा, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से जब वो एल्वियोलाई के पास आएगा, तो एल्वियोलाई में इंस्पायर्ड जो एयर है उसके अंदर का जो CO2 का प्रेशर है वो 40 mm of Hg है। तो क्योंकि कैपिलरी में 45 है, क्योंकि यहाँ पे 40 है, तो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर, तो कैपिलरी से कहाँ चला जाएगा? एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा।
क्यों गया एल्वियोलाई के अंदर? क्योंकि एल्वियोलाई से ही हम लंग्स में आएगा और लंग से हम एक्सहेलेशन कर पाएंगे CO2 का. वेरी क्लियर. अच्छा, ऐसे ही सेम थिंग चीज होता है किसके लिए? O2 का डिफ्यूजन के लिए. अब O2 के डिफ्यूजन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? अभी देखो, O2 इन द एल्वियोलर ब्लड इज 104 mm ऑफ Hg. जो हमने एयर इंस्पायर किया उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है. तो कितना ज्यादा है? तो वो भी लोगों ने कैलकुलेट किया और पता किया कि इट इज अबाउट 104 mm ऑफ Hg. ठीक है. अच्छा, अभी हमने बताया जो कैपिलरी जो O2 की मात्रा क्या पल्मोनरी कैपिलरीज में है वो कितनी है? जस्ट देखो यहाँ पे, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होगी. तो कितनी कम है? इट इज 40 mm ऑफ Hg. ठीक है, भले हम इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं पर उसमें ऑक्सीजन रहता है पर कम रहता है, CO2 ज्यादा होता है. वेरी क्लियर. अच्छा, तो ये जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में O2 आया हुआ है, एल्वियोलाई में 104 है और कैपिलरीज में कितना है? 40 mm ऑफ Hg. तो जिससे क्या होगा? अगेन सेम रूल अप्लाई होगा, डिफ्यूजन विल टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर. तो हायर टू लोअर हुआ तो मतलब क्या हुआ? अब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ गया, पल्मोनरी वेन में आ गया और फिर पल्मोनरी वेन से ये सर्कुलेट किया जाएगा अपने हर एक ऑर्गन और टिश्यू तक. आई होप आपको ऑक्सीजन का भी डिफ्यूजन समझ में आ गया. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एक्सप्लेन करने के लिए. सी, इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 104 mm ऑफ Hg. ठीक है, जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 40 mm ऑफ Hg. ठीक है, सो वी नो दैट द डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर. सो एल्वियोलाई में हायर है, कैपिलरीज में लोअर है. सो अगेन द ऑक्सीजन विल कम इन इट विल कम इनसाइड द पल्मोनरी वेन एंड देन टू हार्ट एंड देन इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल and all organs and the tissues. Okay, now again let us, I hope I am very clear with the things about the exchange of gas or the exchange of CO2 and O2. We have learned just now about the diffusion with respect to the partial pressure. Now the same thing again over here, alveoli are the primary site of gas exchange. O2 and CO2 are exchanged by simple diffusion, but it also depends upon these many factors. ये सारे factors भी responsible हैं, हाँ, for the diffusion of gas. तो सबसे पहला है pressure or the concentration gradient. Pressure or concentration gradient just now I explained you. हाँ, pressure or concentration gradient कैसे responsible है? It moves from higher partial pressure to lower partial pressure. तो ये प्रेशर वाला चीज आपको समझ में आ गया. सोल्युबिलिटी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. थिकनेस भी आपको मालूम है कि एकदम थिन मेम्ब्रेन होता है क्योंकि स्क्वैमोस से बना हुआ था, इसके लिए एक्सचेंज हो पाता है. और सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास लंग्स में 700 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है. तो इतना एल्वियोलाई का जरूरत क्यों है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. ठीक है, सो अगेन द सेम थिंग विद अ सिंपल डायग्राम, प्रेशर और द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये अपना एल्वियोला है, ये जो दिख रहा है अपना पिंक कलर का अपने ब्लड कैपिलरीज है, और अगेन ये जो नीचे दिख रहा है वो अपना ब्लड टिश्यू है. तो अगेन जो अभी जस्ट नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम चीज है, जस्ट अ रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू. ऑक्सीजन अंदर जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है एल्वियोला में? 104. ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेशर कम था, कितना था? 40 mm ऑफ Hg. सो इट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर. सो इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज हो गया. जब हम टिश्यू के पास आएंगे तो टिश्यू ने ऑलरेडी रेस्पिरेशन किया हुआ, एटीपी बनाया हुआ है, तो उसके पास CO2 ज्यादा है. तो CO2 कितना है? 45 mm ऑफ Hg है. और एल्वियोलाई के अंदर जो हम एयर इंस्पायर कर रहे हैं उसके अंदर भी 40 mm ऑफ Hg का CO2 होता है. तो अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर, तो CO2 अंदर जा रहा है और O2 बाहर आ रहा है.
हमें एक्सप्लेन क्या करना है कि कैसे CO2 एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी के अंदर आ रहा है. ये जो चीजें हैं वो किसके कारण हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर और द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. और इन अदर वर्ड आई कैन से दैट द डिफ्यूजन ऑफ द गैस विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर. ठीक है. Next, when we talk about the solubility of the gas, तो हम क्या देखेंगे कि CO2 जो है वो 20 to 25 times more soluble है than what? Than the oxygen. Very clear. So the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is always higher. समझ में आ गया? Yes, all of you. तो ये याद रखो कि solubility of CO2 क्योंकि ज्यादा है, ठीक है, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more and therefore what will happen? CO उसका जो partial pressure is much higher than the oxygen. Okay. Thickness, अगर thickness की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको पहले से ही बताते आ रही हूँ इट इज लाइंड बाय द स्क्वामोस एपिथीलियम. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द स्क्वामोस एपिथीलियम व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द स्क्वामोस एपिथीलियम इट हैज बिकम वेरी वेरी थिन. द एंडोथीलियम, व्हाट इज एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वामोस एपिथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड एज एंडोथीलियम. बोथ आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कितना थिकनेस है उसका, जस्ट अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर ही उसका थिकनेस है जिसके कारण गैस का एक्सचेंज हो पाता है. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सरफेस एरिया, नाउ सरफेस एरिया जो है एल्वियोलाई का इज बिकॉज ऑफ दिस एल्वियोलाई. द एल्वियोलाई इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लंग एंड इट इज इंक्रीजिंग द गैस एक्सचेंज ऑल्सो. ठीक है. सो आई हैव गिवन वन थिंग दैट द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू द टेनिस कोर्ट. आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर. तो हमने चार पॉइंट जो था वो समझ लिया है कि ऑक्सीजन एंड सीओ टू का जो डिफ्यूजन है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड दिस फोर फैक्टर्स आर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. ठीक है. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट प्रेशर में मैंने आपको बताया था it depends the diffusion of the gas takes place from higher partial pressure to the lower partial pressure. Solubility mein maine aapko kya explain kiya ki CO2 ka jo solubility rate hai wo 20 to 25 times zyada hai compared to the oxygen. Agar hum thickness ki baat karenge to kyunki dono alveoli as well as blood capillaries are made up of simple squamous epithelium to aasani se exchange ho pata hai और उसका थिकनेस कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर उसका थिकनेस है. और क्योंकि हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा एल्वियोलाइज है, बंचेस ऑफ एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस वी हैव टू लर्न ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां पे होता है, फ्रॉम लंग्स टिश्यू. ठीक है. वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहां से होगा, फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स. ठीक है. क्यू फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स होगा, ठीक है, क्योंकि सब टिश्यू के अंदर क्या होगा, सब टिश्यूज के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा और एटीपी जनरेट होता है. Now, in case of oxygen का transport, what are the things which are responsible? So, it helps in the physical, it is transported in physical solution, that is a blood plasma that we are going to learn in detail, as well as it combines with hemoglobin. What is this hemoglobin? We will be learning in detail about the hemoglobin.
So it combines with the hemoglobin, oxygen combines with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. So जो अपना O2 है वो दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक तो अपने ब्लड प्लाज्मा में और एक अपने बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन. ठीक है, जबकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनोहेमोग्लोबिन एंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज. O2 का ट्रांसपोर्ट सिर्फ दो चीजों से होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन चीजों से की जाती है, तीन फॉर्म में की जाती है. नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन में लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टुडे. मैं आज आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाने वाली हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो वी विल बी लर्निंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन. वी विल बी लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि ये कैसे ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट मतलब सेपरेट होता है, और कैसे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जिसको बोला जाता है बोर्स इफेक्ट. विद दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हेल्डन्स इफेक्ट. तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाने वाली हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन, डिसोसिएशन और सेपरेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दैट इज कॉल्ड एज द बोर्स इफेक्ट, एंड विद दैट वी विल बी लर्निंग अबाउट द हेल्डन्स आल्सो. लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. Again, these two points are very, very important. Please write down somewhere. Out of 100% of oxygen, just 97% of oxygen binds with the hemoglobin. Now, what is this hemoglobin? Let us learn about this hemoglobin. अपने पास जो blood cells होते हैं, RBC, WBC and platelets. ये जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये हम सर्कुलेशन लेसन में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझ के लो कि पूरा का पूरा आरबीसी इज ऑक्युपाइड बाय द हेमोग्लोबिन पिगमेंट विच इज एब्रिवेटेड एज कैपिटल एच एंड स्मॉल बी. व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. लिख लो व्हाट इट इज. इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. अब मैंने उसके डेफिनेशन से उसका मतलब समझा दिया आपको. रेस्पिरेटरी मतलब क्या? क्योंकि वो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है. पिगमेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो कलर दे रहा है. तो जो हम आर बी सी बोल रहे हैं, जो रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, तो ये रेड क्यों है? क्योंकि हेमोग्लोबिन ही है जो उसे रेड कलर दे रहा है. हेमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट. So 97% of the oxygen binds with the hemoglobin, ठीक है, present in the RBC. And 3% is dissolved state by the plasma. Now what is this plasma? Plasma का मतलब होता है, again आप circulation में मैं आपको detail में समझाऊंगी कि plasma is the fluid part of the blood, liquid part of the blood. जिसके अंदर ये सेल्स आर प्रेजेंट. जो जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, जो स्ट्रॉ कलर का है, जो लाइट येलो कलर का है, उसको उसके अंदर भी O2 का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पर वो कितना? जस्ट 3%. समझ में आया मेरी बात? अच्छा, वापस हम हेमोग्लोबिन की तरफ चलते हैं. तो वन हेमोग्लोबिन हैज अ 4 Fe+ आयन. अभी मैंने आपको बताया इट इज हैविंग आयन, सो इट इज हैविंग 4 Fe+ ion which can pick up 1-1 molecules of oxygen. Yes, इसके लिए क्या होता है कि हर एक, अभी आप डायग्राम में आओ वापस. This is the hemoglobin, this is the RBC. RBC के अंदर ये हमें हेमोग्लोबिन दिख रहा है, और एक हेमोग्लोबिन 4 oxygen मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है. 4 oxygen मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है.
This can again be asked in the board exam. So one hemoglobin can carry how many oxygen? So one hemoglobin can carry 4 oxygen. This you can see with the equation also, which has been displayed on the slide. ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने ऑक्सीजन के बारे में क्या समझा कि 97% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और जो 3% ऑक्सीजन है वो अपने प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर हमने हेमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा और पढ़ा कि हेमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe प्लस आयन्स होते हैं, और एक एक Fe प्लस आयन एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ले सकते हैं। इसका मतलब एक हेमोग्लोबिन आयन, एक हेमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगेन यू कैन सी ओवर हियर, फर्स्ट सी द डायग्राम, पहले डायग्राम को देखो और बाद में पढ़ो। ये ऑक्सीजन है फ्रॉम लंग्स, इट इज गोइंग टू द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी लेकर जाएगा टिश्यू तक, और टिश्यू में जाके ये क्या हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है, मतलब ये रिलीज कर रहा है। अब देखो, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, मतलब क्या, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा इनसाइड द एल्वियोलाई, और जब भी वो टिश्यू के पास पहुंचेगा तो उसको ऑक्सीजन को दे देना है टिश्यू को, तो वहां पे वो डिसोसिएट करेगा। समझा, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, और टेम्पररी होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये परमानेंट रहेगा तो टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा अगर ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड रहेगा तो। समझ में आया आपको मेरी बात? सो अपने लंग्स के अंदर जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कंबाइन करता है विथ हेमोग्लोबिन, तो वहां पे हो गया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन। पर जब अपने टिश्यू के पास ब्लड लेकर जाएगा तो टिश्यू के पास ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सेपरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर डिसोसिएशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर नहीं जा पाएगा। वेरी क्लियर? तो नाउ जस्ट अगेन सी ऑन दिस स्लाइड, अब आप लिखने वाला पार्ट को देखो। इन फिजिकल सॉल्यूशन दैट इज इन ब्लड प्लाज्मा, 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा। पर अगर हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन की बात करेंगे, फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन। सो अगेन अ 1 mark क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज ऑक्सीजनेशन? ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, and it is taking place in a reversible manner also. Reversible manner है मतलब क्या है, it is temporary. Just now we have studied that hemoglobin has 4 hem units, so each hemoglobin can carry 4 oxygen molecule. ठीक है इतना, चलो अब reactions पे आओ जरा। देखो hemoglobin plus oxygen, hemoglobin plus oxygen अपने lungs में combine होता है to form oxyhemoglobin. कौन से कंडीशन में कंबाइन होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है हमारे इंस्पायर्ड एयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है अपने लंग्स में, तो ये कंडीशन में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। पर जब ये अपने टिश्यू में पहुंचता है, जब ये अपने टिश्यू में पहुंचेगा तो वहां पे कंडीशन थोड़ी अलग है। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो ये कंडीशन में फटाक से क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। समझ में आ गया आपको? तो अभी मैंने आपको एक फैक्टर बताया कि लंग्स के अंदर ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लंग्स के अंदर फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये कंडीशन में फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन। डिसोसिएशन कहाँ पर हो रहा है, टिश्यू में, कौन से कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन हो रहा है। ठीक है, नाउ
इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो इनके कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन में मदद करते हैं. किसके कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन में? ऑक्सीहेमोग्लोबिन के. तो ऑक्सीहेमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन के लिए या डिसोसिएशन के लिए और कौन कौन जिम्मेदार है? अभी हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिम्मेदार है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, प्लस उसके साथ साथ H प्लस आयन भी रिस्पॉन्सिबल है और टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोज हू वांट टू गिव फॉर नीट और फॉर द बोर्ड एग्जाम. सो इन द एल्वियोलाय क्या होता है? अभी देखो मैंने दो कंडीशन आपको लिख के दिया है जिससे कि आप आसानी से समझ सको. एल्वियोलाय में क्या होता है और टिश्यू में क्या होता है. एल्वियोलाय में फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू में डिसोसिएशन हो रहा है. तो फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है? फॉर्मेशन के लिए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जरूरत है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस लेस एच प्लस आयन होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर फॉर्मेशन होता है. और टिश्यू के अंदर उसी का अपोजिट होना चाहिए, लो ऑक्सीजन होना चाहिए, हाई कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, हाई एच प्लस आयन होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होगा, तब जाकर क्या होगा? डिसोसिएशन होगा. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज जो नोट डाउन करो इसको. वेरी क्लियर? फॉर फॉर्मेशन के लिए हाई ओ टू, लो सीओ टू, लो एच प्लस आयन, लो टेम्परेचर. एंड फॉर डिसोसिएशन लो पीओ टू, हाई सीओ टू, हाई एच प्लस आयन एंड हाई टेम्परेचर. Again, this is also a very important point which can be asked for 1 mark question. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver just about 5 ml of oxygen. So, आप देख सकते हो कि 100 ml अगर हम blood लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ml of oxygen का transport किया जाता है to the tissue in the normal condition. ठीक है? Is it clear to all of you? Now, let us learn about this oxygen hemoglobin dissociation curve, जिसको हम sigmoid curve भी बोलते हैं या फिर इसी को हम Bohr's effect भी बोल सकते हैं. ठीक है? Sigmoid का मतलब क्या होता है? Sigmoid या फिर sigmoid का basically मतलब क्या होता है? ऐसा graph जो slowly start होता है, शूट अप होगा और फिर एक जगह पे आके कांस्टेंट हो जाएगा. तो जब भी हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है विच स्टार्ट स्लोली विच शूट्स अप एंड अगेन कम्स टू अ कांस्टेंट ग्राफ, दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ सिग्मॉइड कर्व और अ सिग्मॉइड ग्राफ. ठीक है? नाउ इन दिस ग्राफ वी आर प्लॉटिंग ऑन एक्स एक्सिस एज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विथ on the y axis we are going to know the percentage of saturation of hemoglobin with the oxygen. theek hai? aur iske andar hum ye sare effects samajh ke lenge. to abhi dekho ye sab ye padho fir aapko ye samajh mein aa jayega. maximum saturation we know that about 95% to 97% is at partial pressure of oxygen in the alveoli. degree of saturation decreases with the drop in PPO2. मतलब क्या? जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होते जाएगा, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएट होते जाएगा. समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं हम? अभी हमने पढ़ा ना, ऑक्सीजन ज्यादा है तो फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन कम है तो डिसोसिएशन होगा. तो जितना ज्यादा धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होते जाएगा उतना ही फिर धीरे धीरे डिसोसिएशन होते जाएगा ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन. मैंने आपको एक फिगर दिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है. एट 30 mm ऑफ Hg ऑफ P पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओनली 50% सैचुरेशन कैन बी मेंटेन्ड. क्या बोला हमने? लिखो 30 mm ऑफ Hg. पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 30 mm ऑफ Hg. अगर इतना पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का तो सिर्फ और सिर्फ 50% ही सैचुरेशन हो पाएगा. किसका सैचुरेशन? ऑक्सीहेमोग्लोबिन का. तो लेट अस सी दिस विद द ग्राफ. देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पे कितना है पार्शियल प्रेशर है तो 20 और 40 के बीच में, दिस इज 30. यस. और हम जब इसको
ग्राफ करेंगे सैचुरेशन पे तो 40 और 50 के बीच में क्या आएगा, 60 के बीच में 50 आएगा. सो यू कैन सी दैट 50% सैचुरेशन हो रहा है एट विच लेवल, एट 30 mm ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन पे. समझ में आया आपको मैंने क्या बताना चाहिए आप? यस, एट 30 mm ऑफ Hg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओनली 50% सैचुरेशन कैन बी मेंटेन्ड. एंड दिस रिलेशनशिप, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कर्व है इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट. अब ये राइट क्या हो गया, अपना राइट साइड देखो, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. हाँ, दिस कर्व इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ H+ आयन, हाई अमाउंट ऑफ CO2, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड हाई अमाउंट ऑफ DPG. व्हाट इज दिस DPG? DPG इज 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट which is formed in RBC during the glycolysis. देखो अब ये सब चीजों को आपको समझ में आ जाएगा ये ग्राफ देखकर. देखो अभी क्या बताया मैंने आपको, ये ग्राफ शिफ्ट होगा टूवर्ड्स राइट. कब राइट में शिफ्ट होगा? जब CO2 ज्यादा है. और ये राइट में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या बताना जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ठीक है, क्योंकि CO2 ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, पीएच कम है, तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हो ये झुक रहा है, ये जो ग्राफ है वो राइट साइड की तरफ झुक रहा है. इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है विथ हेमोग्लोबिन. यही कर्व अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है, कौन से कंडीशन में जा रहा है, जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा है. तो अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है. Is that very clear? So curve shifted towards right and the curve shifted towards left depends upon these many factors. अगर right side में है तो temperature ज्यादा है, CO2 ज्यादा है और pH कम है. और अगर left side में है मतलब formation of oxyhemoglobin है, मतलब temperature कम है, CO2 कम है and pH ज्यादा है. So again, this is what is called as the Bohr's effect. Now read this. Increase in CO2 tension in blood. Agar CO2 zyada ho gaya blood mein, to ye shift kaun se side mein hoga? It will bring rightward shift of the oxygen dissociation curve. Hai na? Aap dekh sak rahe ho dotted lines ki ye right side ki taraf झुक रहा है. और इसी कर्व को या इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट. इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? बोर्स इफेक्ट. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन इज द हेल्डेंस इफेक्ट. ये भी समझना बच्चों बहुत ही जरूरी है कि ये है क्या. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो आपको समझ में आ जाएगा. अभी मैंने आपको बताया ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बारे में, पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन की एक और खास बात है कि इट फंक्शन एज अ एसिड. इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जब भी एसिड बनता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि देयर इज अ रिलीज ऑफ H+ आयन. अच्छा, अगर अब ये ज्यादा H+ आयन रिलीज होने लगेगा, हाँ, तो क्या होगा, आयोनिक इम्बैलेंस हो जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर ज्यादा H+ आयन बढ़ने लगेगा तो आयोनिक इम्बैलेंस होगा. अब आप मुझे पूछोगे कि आयोनिक इम्बैलेंस से क्या प्रॉब्लम होगा मैडम? तो आयोनिक इम्बैलेंस से ऑस्मोसिस बदल जाएगा और ऑस्मोटिक डिफरेंस के वजह से या तो एक्सोऑस्मोसिस होगा या तो एंडोऑस्मोसिस होगा. और ये दोनों भी कंडीशन हमारे सेल के लिए अच्छा नहीं होता. नहीं एक्सोऑस्मोसिस अच्छा है और नहीं एंडोऑस्मोसिस अच्छा है, क्योंकि एक में या तो सेल श्रिंक हो जाएगा और मर जाएगा या तो सेल बर्स्ट हो जाएगा और मर जाएगा. तो इसको मेंटेन करने के लिए आयोनिक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. पर अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. अभी एसिडिक नेचर होने के वजह से इट इज गोइंग टू रिलीज मोर एंड मोर ऑफ H+ आयन. तो अगर ज्यादा H+ आयन्स हो गया तब भी तो आयोनिक इम्बैलेंस हो रहा है. तो अब ये H+ का हमें इंतजाम करना पड़ेगा. तो हम इसका इंतजाम कैसे करेंगे? तो
ये इसका इंतजाम करने के लिए हमारी मदद कौन करेगा, ये HCO3 करेगा, विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. ये HCO3 विल combine with this extra H plus ion to form H2CO3, that is a carbonic acid. समझ में आया? इसी को बोला जाता है Helden's effect. Helden ने क्या explain करना चाहा? कि ये जो बढ़ता हुआ H plus ion है, क्यों बढ़ता हुआ H plus ion है? क्योंकि oxyhemoglobin strong acid है. इसका जब इंतजाम किया जा रहा है, हाँ, इसका इंतजाम कैसे किया जा रहा है? ये बढ़ता हुआ H plus ion HCO3 लेगा और H2CO3 बनाएगा, that is a carbonic acid. और यही carbonic acid dissociate होगा to form H2O plus CO2. समझ में आ गया? मतलब कहीं ना कहीं oxyhemoglobin formation भी CO2 को release करने में मदद करता है. And this is what is called as the Helden's effect. So, अभी पढ़ो अभी नीचे का line, आपको समझ में आ जाएगा. So, binding of CO2 with hemoglobin tends to displace CO2 from the blood. And this is called as the Helden's effect. Helden is promoting CO2 transport. क्यों CO2 transport? क्योंकि उसने क्या बताया? कि अगर H plus ion नहीं होता, तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनता, और अगर कार्बोनिक एसिड नहीं बनता तो CO2 नहीं बनता. तो वो क्या बताना चाहा उसने? इट इज प्रमोटिंग द CO2 ट्रांसपोर्ट. पर अभी हमने बोर्स के बारे में क्या बताया था? कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा. समझ में आ गया? एक हेल्डन जो है, ही इज प्रमोटिंग CO2 ट्रांसपोर्ट, एंड बोर्स इज प्रमोटिंग O2 का ट्रांसपोर्ट. सो बोथ द इफेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. Very clear? Yes. You can see for easy, I've given you this table, जिससे कि आप आसानी से याद कर सको. Helden versus Bohr's effect. कैसे याद रखोगे? Helden. तो Helden का H is hemoglobin, A को affinity याद करो, और Den को कैसे याद करोगे? Carbon dioxide से याद करो. Very simple भी है. Helden मतलब carbon dioxide आना चाहिए, और बोर्स मतलब ऑक्सीजन आना चाहिए. ठीक है? नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मतलब क्या है? दिस हेमोग्लोबिन हैज 250 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. मतलब क्या है? अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन भी है, तो ये हेमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. क्यों? क्योंकि उसकी एफिनिटी उसके साथ ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? 250 टाइम ज्यादा है. और कंबाइन करके वो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन गिव्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. और ये अगर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अब इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है? ये जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है, इट इज अ परमानेंट रिएक्शन. इट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट. इसका मतलब क्या है? अब ये डिसोसिएट होने वाला नहीं है. अगर ये डिसोसिएट होने वाला नहीं है तो ऑक्सीजन बेचारा किसके साथ कंबाइन होगा और फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? मतलब हमारे ईच एंड एवरी बॉडी के जो सेल है और जो टिश्यू है, दे विल डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है? उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फिर क्या होगा? हर एक सेल डैमेज होना शुरू हो जाएगा. समझ में आ गया? तो इसके लिए इसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉब्लम क्या है? कि वो हेमोग्लोबिन के साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है, और जब वो कंबाइन करता है तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है? परमानेंट होता है या फिर इरिवर्सिबल होता है. क्योंकि ये परमानेंट और इरिवर्सिबल है तो ऑक्सीजन को जगह ही नहीं है हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने के लिए, और क्योंकि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया तो हर एक सेल और हर एक ऑर्गन ऑक्सीजन की कमी से क्या होने लगेंगे? डैमेज होने लगेंगे. यस. सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. We can have a slight headache, nausea, vomiting, fatigue. Huh? फिर after some time there will be confusion, drowsiness. ठीक है?
अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्शंस, हाँ चक्कर जैसा आना, और दी कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर्स, एंड इट विल लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ इट्स अ क्विज टाइम फॉर ऑल ऑफ यू. यू विल बी गिविंग मी आंसर ऑन द चैट. सो हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर कैरिड बाय ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. चलो लेट मी सी कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है. वेरी गुड, शाबाश आकांक्षा, तुषार, सबने दिया है. खुशी, शुभांगी, आशुतोष, आई एम वेरी हैप्पी बेटा कि यू आर ऑल आर अटेंटिव. चलो सेकेंड क्वेश्चन, शाबाश. हाउ डज डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक्स प्लेस? हाउ डज डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक्स प्लेस? फ्रॉम वेयर टू वेयर? अच्छा, फ्रॉम वेयर टू वेयर इट टेक्स प्लेस, डिफ्यूजन ऑफ द गैस. शाबाश, Amla has given the answer. It is going to take place from higher partial pressure to the lower partial pressure. Yes, many of them have given Akansha, Abhi, Anagha, Sumit. Yes, Shabash, Rushikesh, sab ne answer diya. Very good, beta. Chalo, let us see the next question ka answer. What is a forceful inhalation called as? उसका एब्रीवेशन मुझे लिख के दो. फोर्सफुल इनहेलेशन का. वेरी गुड, आमला इज गिवन आई आर वी. तुषार, चेतन, वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ यू. चलो, व्हाट इज डेड स्पेस एंड गिव इट्स वॉल्यूम? मुझे अब सिर्फ वॉल्यूम लिख के दो, डेड स्पेस का डेफिनेशन नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ वॉल्यूम लिख के दो, डेड स्पेस का वॉल्यूम कितना होता है? शाबाश अगेन, 150 ml. वेरी गुड. अच्छा, व्हाट इज CO? अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसका डेफिनेशन के लिए अभी आप मुझे मत लिखे दो. व्हाट इज CO पॉइजनिंग? तो मुझे आप इसका आंसर क्या दोगे? CO प्लस हेमोग्लोबिन फॉर्म्स डैश. CO प्लस हेमोग्लोबिन फॉर्म्स डैश. वेरी गुड, आकांक्षा हैज गिवन द आंसर फर्स्ट. इट इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, आकांक्षा, शाबाश. How does CO2 formation takes place according to Helden's effect? अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करती हूँ. Helden's effect ने क्या बताया है? H plus किसके साथ कंबाइन करता है? H plus किसके साथ कंबाइन करता है according to Helden's effect? Hydrogen ions combines with dash in the Helden's effect. Very good. HCO3, शाबाश. अच्छा, oxyhemoglobin is dash in nature. Oxyhemoglobin is a dash in nature. Very good. Ashutosh has given the answer. Acidic in nature. Very good. Very good. Yes. So I'm very happy, beta. I can. मैं इतना आप fast message कर रहे हो कि मैं आपका नाम भी नहीं read कर पा रही हूँ. You are so fast in your answer कि I'm not able to read your names also. But I'm very very happy that you all are attentive. ठीक है? So I hope आपको आज का lecture समझ में आया है. You have enjoyed the lecture. Next time we will be learning the transport of CO2. Very clear. कल हम lecture होगा, मतलब क्या होगा? Oxyhemoglobin dissociation होगा. And this is called as the Bose effect. So you can see the curve shifting towards right and curve shifting towards the left. फिर हमने Helden's effect समझा. क्योंकि ये एसिड है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन एसिड है, तो H+ आयन रिलीज होता है. ये H+ आयन अपने आयोनिक बैलेंस को इम्बैलेंस कर सकता है, आयोनिक इम्बैलेंस कर सकता है. इसके लिए वो HCO3 के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म HCO3, एंड HCO3 से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. इसके लिए हेल्डन जी हमारे प्रमोट करते हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट को, और घोष जी हमारे किसको करते हैं? O2 के प्रमोट, O2 ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करते हैं. सो दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं. सो दिस इज अ थिंग, बो एल्डन वर्सेस बोज इफेक्ट टू मेमोराइज. एंड लास्टली वी हैव लर्न अबाउट द CO पॉइजनिंग. CO जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ विच कोई भी इंसान घुट के मर सकता है ब्रेथलेसनेस से, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं. ये याद रखो, ये भी लिख लो बेटा, हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया का मतलब है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो जिसको भी CO पॉइजनिंग होता है वो
जिसको भी सीओ पॉइजनिंग होता है वो हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम होता है उसको. हाइपोक्सिया मीन्स लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. वेरी क्लियर. सो दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, सबको सब चीज समझ में आ गया है अच्छी तरह से? यस और नो? यस. ठीक है, सो आई होप आप इतना पढ़ के रखोगे. यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी लर्निंग अबाउट द सीओ टू ट्रांसपोर्ट. ठीक है, लेट मी टॉक विद द कमलेश सर नाउ, वेदर ही इज देयर. सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सर, हेलो सर,